हेलो एवरीवन, इट्स सलमान एंड आज का जो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, अगर आप एक पबजी के नए प्लेयर हैं तो। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, इस ट्रिक को बताने के लिए मैं आपको ट्रेनिंग रूम में जाके बताऊंगा और यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग रूम में इंटर कर दिया है और थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर पहुँच जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा अच्छे अच्छे ट्रिक्स। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, अगर आप इनको जान लेते हैं, अगर आप नए प्लेयर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात होती है, आपके बहुत काम आएगा, यकीन मानिए ये बहुत ही काम आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्कोप। तो यहाँ पे ये बंदर आ गया। तू कहाँ से आ गया बे, चल हट हट हट। तो मैं बता रहा था आप सभी को, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप रहते हैं अकेले, आपके टीम जो है वो थोड़े से इधर उधर रहते हैं, थोड़ी दूरी पे, तो अगर आपको कोई नॉकआउट कर देता है तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है आपको टीम की, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पे दुश्मन खड़ा है, इनेमी यहाँ पे खड़ा है, तो आपको सिंपली उसी के ऊपर ऐसे फायर का जो बटन होता है, फायर का जो निशान यहाँ पे शो हो रहा है वाइट कलर का, उसको आपको ऐसे मतलब उसी के ऊपर कर देना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे, उसके बाद देख सकते हैं इनेमी इज़ अहेड। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको एक निशान बना हुआ मिल जाएगा, तो आपके दोस्त को पता चल जाएगा कि एनिमी जो है वो यहाँ पे है और वो लोग आके उस एनिमी को मार पाएंगे और बड़े आसानी से मार पाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि यहाँ पे एनिमी है, और मारने के बाद वो आपको बचा भी लेंगे। दोस्तों, ये जो है बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, जो आपको मतलब ट्रिक नहीं है, मतलब ये टिप है, आपको ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत ही कमाल का है। और दोस्तों, जो दूसरा टिप है वो बहुत ही कमाल का है। आप जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पानी में फायर करके, तो हम पानी में फायर कर नहीं पाएंगे, तो मैं आपको एक गाड़ी लेके फिर जाता हूँ पानी के पास, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, याद रहे आपको ये छोटी वाली गाड़ी लेनी है जिसका नाम है बगी, जो भी कहें बोगी या बगी, तो आपको ये वाली गाड़ी लेके जाना है, ठीक है। अगर आप पानी के पास जा रहे हैं, वहाँ पे दुश्मन है, तो आप बड़े आसानी से उनको किल कर पाएंगे। कैसे किल कर पाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, और मैं पहले ऐसे ही जाता हूँ, आपको सिंपल दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं जब मैं पानी के अंदर आ रहा हूँ तो यहाँ पे फायर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। देख सकते हैं फायर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो आप कैसे फायर कर सकते हैं, आपको जाना है सिंपली इस बगी को लेना है, ठीक है, और इसमें आपको ड्राइव पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंदर जाना है, ठीक है। तो चलिए मैं अंदर जाता हूँ थोड़ा सा, और आपको ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है, याद रखिए ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है, इतना अंदर चलेगा, जिससे कि आप अगर सीट को चेंज करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको सीट को चेंज करेंगे और आप यहाँ पे थोड़ा सा दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप बड़े आसानी से फायर कर पाएंगे, देख सकते हैं अगर दुश्मन यहाँ आसपास में कहीं है तो आप फायर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है, और अगर आप बिना इस गाड़ी के यहाँ पे रहते हैं तो आप फायर नहीं कर पाते हैं, तो देख सकते हैं इस गाड़ी से आपको बहुत फ़ायदा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें थोड़ा सा और अंदर जा सकते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको और अंदर पानी में हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, इनेमीज़ आपको अच्छे से देख नहीं पाएगा। और देख सकते हैं बस मेरा यहाँ पे सर के नीचे तक दिख रहा है, कंधे तक पानी, तो बहुत ही फ़ायदा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पबजी मोबाइल गेम में। तो बस दोस्तों, एक बहुत ही कमाल का जो टिप है, मतलब ये कोई ट्रिक नहीं है, ये टिप है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप यहाँ से दौड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि ऐसे दौड़ते हुए सीधे जाते हैं, उसके बाद यहाँ से ऐसे मुड़ जाते हैं, अगर यहाँ पे कोई दुश्मन होता है, इनेमी होता है, वो आपको तुरंत गोली मार देता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से जाएंगे, जैसे कि आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे स्लाइड करके देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। अगर यहाँ पे इनेमी रहेगा तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, तो ऐसे में आपको नज़र आ जाएगा, फिर आप ऐसे सिंपली यहाँ पे आके उसको डायरेक्ट मार सकते हैं गोली, ठीक है। तो ये बहुत ही कमाल का टिप है, आप इसको यूज़ करिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं करते, जब मैं पबजी खेलता हूँ रैंडम मतलब प्लेयर्स आते हैं तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब ऐसे बिंदास ही चले जाते हैं और वहाँ पे इनेमी होता है तो उनको गोली मार देता है। लेकिन अगर आप ऐसे जाते हैं, अगर आप कहीं से आ रहे हैं तो यहाँ पे दीवार है, तो आप ऐसे आके यहाँ पे आपको यहाँ पे आके ऐसे रुक जाना है। जब आप यहाँ पे रुक जाएंगे तो फिर आप यहाँ पे सिंपली ऐसे देख सकते हैं, अगर इनेमी यहाँ पे है तो आपको सिंपली ऐसे आना है और उसको डायरेक्ट मार देना है, क्योंकि आपको पता रहेगा इनेमी कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है कि यहाँ पे कि कहाँ पे। तो बहुत ही कमाल का टिप है, आप इसको ज़रूर यूज़ करिए, और आप अपने पबजी मोबाइल में जब गेम खेलते हैं तो इसी तरह से खेलिए। ये नहीं कि डायरेक्ट आपको ऐसे जाना है, डायरेक्ट जाएंगे तो इनेमी को आवाज़ सुनाई देगा आपके पैर का और वो रेडी रहेगा और आपके ऊपर वो फायर कर देगा। और दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिखाना है, जैसे कि
अगर कोई सामान है और वो सामान बहुत अच्छा है और वो सामान अगर आपके पास है पहले से, ठीक है, तो आप उसको नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि आपके पास पहले से है, तो आप सोचेंगे कि अपने दोस्त को बता दें कि वो ये सामान आके ले जाए, ठीक है। कोई अच्छी सी बंदूक हो सकती है या फिर स्कोप हो सकता है, जो भी हो, अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से है तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। तो दोस्तों को अपने कैसे बताएंगे, अगर मतलब कोई रैंडम प्लेयर है जिसको हिंदी नहीं आती है, तो फिर आपको सिंपली क्या करना है, और आपको यहाँ पे उसी पे फोकस कर देना है, जो फायर वाला बटन है उसी से फोकस कर देना है उसी पे। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है मैसेज वाले पे, और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है आई फाउंड सप्लाइज। तो ये क्या होगा, इससे जैसे मैंने बताया आप सभी को पहले, जो पहला टिप था कि मतलब इनेमी रहेगा वहाँ पे निशान बन जाएगा, तो उसी तरह से यहाँ पे भी मतलब उसी तरह से यहाँ पे भी एक निशान बन जाएगा। लेकिन अभी मैं ट्रेनिंग रूम में हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ट्रेनिंग रूम है, तो इसमें ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है। अगर आप इसको मतलब पबजी खेलते हैं गेम को रियल में, तो वहाँ पे ये चीज़ काम करेगा, और आपको सिंपली यहाँ पे फोकस कर देना है, उसके बाद मैसेज वाले क्लिक करना है, उसके बाद आई फाउंड सप्लाइज पे क्लिक कर देना है, तो वहाँ पे वो निशान बन जाएगा और आपका दोस्त जाके वहाँ पे वो सामान ले लेगा, तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों एक और चीज़ मुझे बताना है आप सभी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो नए प्लेयर्स होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है, वो नए नए आए होते हैं, मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कोई गन लिए हैं, ठीक है, फिर आपको अगर उससे भी अच्छी गन मिलती है तो आप उस गन को मतलब बदल लेते हैं, आप दूसरी गन को ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास वो जो गोलियाँ रहती है यहाँ पर भर जाती है, और ऐसे में आपका बैग जो है भर जाता है, तो ऐसे में आप दूसरा कोई सामान नहीं उठा पाते हैं। तो आपको करना क्या है, जो भी आप मतलब गन बदल रहे हैं, जिसको जो भी गन आप छोड़ दे रहे हैं उसको नहीं चाहिए, तो उसकी गोलियां भी आप यहां से हटा दें, क्योंकि आपका बैग खाली हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ और ज़रूरी सामान बैग में रख पाएंगे। तो आपको यहां पे कैसे छोड़ना है गोली को, तो आपको सिंपली यहां पे क्लिक करना है और यहां पे ड्रॉप पे क्लिक कर देना है, ये जो है नीचे गिर जाएगा, ठीक है, ड्रॉप पे क्लिक कर देना है नीचे गिर जाएगा, और ड्रॉप पे कर देना नीचे गिर जाएगा। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि अगर आपका दोस्त कोई मतलब सामान आपसे मांगना चाह रहा है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो आपको देना कैसे, तो यही चीज़ है, आपको यहाँ पे मतलब क्लिक करना है बैग पे, उसके बाद बैग पे जब क्लिक करेंगे, अगर आपको ये लाल वाली चीज़ देनी है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ड्रॉप पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और ड्रॉप पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं वो सामान नीचे आ जाएगा, तो वैसे आपका दोस्त जाके उठा लेगा, तो ये भी बहुत ही फायदे वाला जानकारी है। तो दोस्तों बस यही था आप सभी को बताना, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या कहना है, और अगर आपको कुछ और सेटिंग्स पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।